राष्ट्रीय पटल पर बीजेपी ने जाटों को तवज्जो देना शुरू कर दिया है, फिर चाहे से वो हो जयंत चौधरी या फिर हो भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन जब राजस्थान की राजनीति की बात आती है तो भले ही उन्होंने अपनी पहली लिस्ट में चार जाटों को तवज्जो देकर दिखाने की कोशिश की है और जाट समाज की नाराजगी को दूर करने की कोशिश भी की है, लेकिन क्या वाकई में ये नाराजगी दूर हो पाएगी? क्योंकि राजस्थान में जो दो बड़े जाट नेता हैं, एक तरफ है हनुमान बेनीवाल और दूसरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों की बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है और बहुत ही ज्यादा लोग इन्हें मानते भी हैं, और इन दोनों के कारण बीजेपी से एंटी भी हो रहे हैं। तो क्या इन दोनों की जो राजनीति की जा रही है वो बीजेपी पर उल्टा भारी पड़ने वाली है? किस तरह से ये दोनों जाट नेता बीजेपी की रणनीतियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, करेंगे इन मुद्दों पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसा कि बीजेपी ने नाराज जाटों को मनाने की कवायद अब शुरू कर दी है, 15 में से चार जाट नाम आप देख सकते हैं पहली लिस्ट में, तो आपको क्या लगता है कि क्या इन सबको करने से जो बेनीवाल की तौहीन की गई, जो गोविंद सिंह डोटासरा है भले ही वो विपक्ष में है लेकिन उनको फैन उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत लंबी चौड़ी है, और उनको फॉलो करने वाले लोग क्या बीजेपी को सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, जाट वोटर्स की जब हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं जाट नेताओं की, तो जाहिर सी बात है जाट नेता जो हैं, जो पॉपुलर और लोकप्रिय हैं, वो आज की डेट में दो ही हैं, और वो हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा है। बीजेपी चाहे कितने भी टिकट बांट दे, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी से अभी भी थोड़ा डर तो मौजूद है। लेकिन ये डर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता जहां पर आ जाती है उसके आगे शून्य हो जाता है। पर फिर भी राजस्थान के कोई लोकल मैटर्स, लोकल फैन फॉलोइंग, लोकल लोकप्रियता कहीं पर भी इफेक्ट ना करे बीजेपी को, इसके लिए भी सब कुछ कवायद की जा रही है। आप इस बात को समझिए कि बीजेपी कितना आंतरिक लेवल पे काम कर रही है। बीजेपी को पता है हनुमान बेनीवाल पॉपुलर है, हनुमान बेनीवाल लोकप्रिय है, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो बेनीवाल और डोटासरा की एक जोड़ी बन जाएगी। लेकिन अब आप देखिए, नागौर में इसका कुछ इफेक्ट ना पड़े इसके लिए बीजेपी क्या क्या कर रही है। पहले से ज्योति मिर्धा को हटाकर कांग्रेस की फॉलोइंग उन्होंने कम कर दी थी, उसके बाद ऋषपाल मिर्धा भी कहीं ना कहीं ऐसे संकेत दे दिए कि वो कांग्रेस छोड़ेंगे, और उन्होंने साफ साफ ऑन कैमरा ये बोला कांग्रेस में हमारे जैसे सीनियर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ऑफिशियली अभी तक बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं समाजों की बैठक लेकर उन्होंने ये कह दिया है कि मैं कोई बड़ा स्टेप लेने वाला हूँ, आप सबकी इजाजत है क्या? सबने कह दिया हाँ इजाजत है, और साफ साफ कहा कि कांग्रेस से कुछ नहीं हो पा रहा, वो सीनियर्स को तवज्जो नहीं दे रही, हमको तवज्जो नहीं दे रही। तो इस तरह से कांग्रेस का आज तक नागौर में जितना भी वोट शेयर बना था वो रिचपाल मिर्धा और ज्योति मिर्धा के जाने के बाद अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब कांग्रेस क्या जीरो से शुरू करती? जी और अगर जीरो से शुरू नहीं करती तो वो क्या करती है? वो हनुमान बेनीवाल को अपने साथ लाती है। हनुमान बेनीवाल अगर उनके साथ आ भी जाते हैं तो वो हनुमान बेनीवाल जो पूरी विधानसभा में एक सीट जीते, लोकसभा में जब जीते थे तब बीजेपी ने कोई खड़ा नहीं किया था और उनके लिए प्रचार किया था, तो दोनों ही कंडीशंस आज की डेट में है नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसा जबरदस्त बीजेपी ने प्रचार कर रखा है, हनुमान बेनीवाल के पुराने वो क्लिप्स जहां पर साफ तौर पर उन्होंने कह रखा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ जो बयान दिए हैं वो, और भी कई सारी चीजें उन्होंने वायरल कर दी है। और हाल में हनुमान बेनीवाल का एक बड़े चैनल को दिया गया इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस के साथ मैं गठबंधन नहीं करूंगा। जी अब इतनी सारी चीजें जब सामने ले आए, और अब अगर वो गठबंधन करते तो कहीं ना कहीं जो लोग उन्हें सियासी गलियारों में अब कहना शुरू कर चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल तो जहां जाए, जहां उनको मौका परस्ती दिखेगी वहां चले जाते हैं, वो चीज और बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी पिछले दिनों जो हमने देखा, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, उससे पहले बीजेपी और अब कांग्रेस, तो साफ पता चल रहा है कि कोई भी ट्रस्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन दोनों ही के पास ऐसी सिचुएशन है,
हनुमान बेनीवाल के पास कहां से जीते हैं। अगर वो सांसद का चुनाव लड़ते हैं तो विधायकी छोड़ते हैं, और ये उन्हें पता चल गया कि उनके अलावा विधायकी कोई जीत नहीं रहा, तो वो क्या वो रिस्क लेंगे। नारायण बेनीवाल जो वहां भी नहीं जीत पाए, क्या वो लोकसभा जीत पाएंगे, ऐसे सारे टेंशन में वो ऑलरेडी हैं। इसीलिए यहाँ पर एक बात साफ है कि हनुमान बेनीवाल बिना कांग्रेस के गठबंधन के कुछ खास कर नहीं सकते, और अगर गठबंधन हो जाता है तो भी नागौर में फायदा उन्हें मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए उमेदाराम बेनीवाल का नाम आगे किया जा रहा है जोधपुर में, लेकिन उमेदाराम बेनीवाल भी गजेंद्र सिंह शेखावत, आप समझिए कि गजेंद्र सिंह शेखावत केवल अकेले नहीं है, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। और मैं बार बार लगातार एक चीज साफ करता हूं हर पॉलिटिकल डिस्कशन में कि कोई भी वोटर अपना वोट खाली और जाया नहीं जाने देता। आज कोई भी वोटर वोट दे रहा है उसे पता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उस चीज को तय करने के लिए इस वोट से अपना योगदान दे रहा हूं, और उसे पता है कि वो देश का प्रधानमंत्री जो बनेगा उसको उसके ऑप्शंस उनके पास दो हैं, एक प्रधानमंत्री मोदी है और दूसरे राहुल गांधी है। अब जाहिर सी बात है वो किसको बनाना चाहता है उसको वोट देगा, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, आरएलपी से हो, किसी से भी हो। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ प्रधानमंत्री मोदी का नाम, कमल का फूल, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए उमेदाराम बेनीवाल हो या कोई भी हो, इनके आगे पूर्व प्रत्याशी का टैग लगेगा, क्योंकि उनको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी हैं, भाजपा में दिग्गज हैं, कोई भी काम करवा सकते हैं, और डबल इंजन की सरकार होगी तो काम हो जाएंगे इस तरीके से, और ERCP अभी करके दिया जो जल संसाधन मंत्रालय से ही था, तो वहां उमेदाराम बेनीवाल की भी दाल गलना मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल एंड ऑफ द डे ये सोच सकते हैं कि गठबंधन करें, जो कुछ मिले वो ठीक है, एक दो सीट भी मिले तो कम से कम 25-25 का रिकॉर्ड तो तोड़ेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप देख सकते हैं पुराने इतिहास को भी उठाकर कि ये सारे जो जाट नेता हैं वो अपनी अपनी एक अलग इमेज रखते हैं, चाहे से गोविंद सिंह डोटासरा हो, वो भी एक बहुत ही तेज तर्रार वक्ता भी हैं और नेता भी हैं, दूसरे इसके उलट हनुमान बेनीवाल भी हैं जो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं, तो क्या ये गठबंधन हो भी जाए तो वहां पे तकरार होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं? हनुमान बेनीवाल ने तो आज तक तकरार ही किया है। आप देखिए पार्टी में रहना सबसे पहली चीज क्या होती है कि पार्टी में एक अनुशासन के बिना नहीं रहा जा सकता। अनुशासन भाजपा में ज्यादा है, कांग्रेस में कम है, लेकिन अनुशासन है तो सही। और हनुमान बेनीवाल में लोकप्रियता बहुत है, हनुमान बेनीवाल में स्टैंड लेने की कैपेसिटी है, हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे पे स्टैंड लेते हैं वो मुद्दा उठा भी देते हैं, उस मुद्दे के लिए लड़ भी लेते हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन जब तक अनुशासन नहीं है तब तक क्या होगा, जब आपको लोग देख रहे हैं कि आप पहले बीजेपी, फिर आम आदमी, फिर आजाद समाज पार्टी, फिर कांग्रेस, आप एक चुनाव में 3-4 पार्टियां बदल रहे हो, तो फिर आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा कोई। और इसी वजह से, यही वजह है कि आज तीसरे मोर्चे का सपना फिर से सपना होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से केवल एक ही मेंबर है। कहा ये सोचा जा रहा था कि वल्लभ नगर के उपचुनाव का जो रिजल्ट दिया है, बाकी उपचुनावों में जो आरएलपी ने रिजल्ट दिया है, उसके बाद 3 के बाद अब तो सीटें बढ़ेगी, अब तो और ज्यादा सीटें आएगी, लोगों ने 10-10 सीटों तक अनुमान लगा लिया था, और यहाँ को टोटल ही एक सीट आई है। आजाद समाज पार्टी का भी सूपड़ा साफ कर दिया, आप समझिए खुद का तो नुकसान किया ही किया, जिसके साथ आए उसका भी नुकसान किया। ये सारी चीजें गठबंधन करने से पहले ट्रैक होती है। अब भले ही वो राहुल कस्बा के साथ घूम रहे हो या किसी के भी साथ घूम रहे हो, कांग्रेस जो 72 सीट तो कम से कम विधानसभा में लेकर आई है, क्या वो हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करके अपने आप को माइनस कर लेगी उनको प्लस करने के चक्कर में, या फिर वो अकेली जाएगी, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और कांग्रेस आज की डेट में 2-3 सीटों पे तो मजबूत है कम से कम, लेकिन अगर उन सीटों पर भी नेगोशिएशन होता है या आरएलपी के साथ आने का ठप्पा लगता है तो उन सीटों पर भी उनके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। इसलिए कांग्रेस क्या करेगी क्या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, पर अच्छी राजनीतिक सोच रखे तो उन्हें अकेले ही लड़ना चाहिए। लेकिन जैसे कि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि बेनीवाल अपने वाइफ और अपने भाई को ज्यादा इस बार चुनाव में उतारना चाह रहे हैं, और कोई चारा नहीं है। बाड़मेर जैसलमेर की सीट पर उनका फोकस ज्यादा है, और कोई चारा ही नहीं है उनके पास। आप समझिए
कि वो खुद अगर चले गए बतौर सांसद के उम्मीदवार बन के तो अपनी विधायक ही छोड़ेंगे। अब भाई जीते तो एक ही अकेले हैं, वो छोड़ दी तो फिर क्या रह जाएगा उनके पास? आरएलपी का नामो निशान मिट जाएगा। वो भाई और वो वाइफ की जो बात कर रहे हैं, वो भाई तो पहले ही विधानसभा में हार चुके हैं। तो अब जो विधानसभा में नहीं जीते, जहां तो प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर कम था, वो लोकसभा में कैसे जीतेंगे? हालांकि कांग्रेस को लग रहा है या आरएलपी को लग रहा है कि अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मसला आया, इन मसलों से शायद बीजेपी को थोड़ा सा कमतर करें, लेकिन उन मसलों से कमतर होगी या नहीं, ये एक बहुत ही ऐसा विषय है कि उसको कोई आंसर आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना कोई। आप पहले ऑप्शन तो क्रिएट करो, प्रधानमंत्री का दूसरा ऐसा फेस तो लाओ जो उनके कंपैरिजन में हो, आपने ऑप्शन दिया ही जी, नहीं। हाल ही में अभी सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रही थी मैं, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें एक क्वेश्चन पुट ऑन किया गया किसी हैंडल से कि आने वाले समय में, और जिस तरह से मोदी जी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, लोकतंत्र जो है, जो लोकतंत्र की शक्ति है, वो खत्म हो जाएगी वो क्योंकि वो खत्म होने ऑप्शनलेस पे है। वो खत्म होने के लिए जो सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा वो कांग्रेस होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छे लोग होते हुए भी वो परिवारवाद को छोड़ नहीं रही, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है कि और लोगों को ऊपर लाए तो पता चल जाएगा कि राहुल गांधी को इतने साल ऊपर बढ़ाने की वजह क्या थी, क्यों बढ़ाया उसको। तो वो सचिन पायलट जैसे नेताओं को, उनके पास जयराम रमेश जैसे नेता हैं, उनको ऊपर नहीं बढ़ा रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी किसी वक्त पर थे, उनको भी ऊपर बढ़ा सकते थे। आज भी शशि थरूर जैसे नेता हैं जिसको लाकर वो साउथ में एक अलग किस्म की लीडरशिप कर सकते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी ऊपर नहीं बढ़ा रहे, जी जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो गांधी परिवार है वो कहीं लीडरशिप से नीचे ना हो जाए। जब उनमें कैपेबिलिटी नहीं है तो वो क्यों नहीं हट रहे, और नहीं हट रहे उसकी वजह से ये हो रहा है कि ऑप्शन नहीं मिल पा रहा। ऑप्शन नहीं मिल पा रहा तो लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता को बढ़ाते जा रहे हैं, बीजेपी को और बढ़ाते जा रहे हैं, लाइन लंबी करते जा रहे हैं, और ये ऑप्शन नहीं देकर अपनी लाइन छोटी करते जा रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन लेस है, तो ये अगर लोकतंत्र को खतरा होता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, क्योंकि एकमात्र बड़ी नेशनल पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस कोई ऑप्शन देने को तैयार नहीं है। जी, सही कहा आपने, और जिस तरह से आपने समझाया है बखूबी, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के आलाकमान को भी ये अब समझ में आ जाना चाहिए कि उन्हें भी अपने परिवारवाद को छोड़कर अपनी पार्टी के लिए, जिस तरह से बीजेपी अपने संगठन और पार्टी के लिए सोचती है, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए उन्हें सोचना होगा। नहीं तो जो वाक्य अभी हमने बताया, जो सुनाया, कि ऐसा भी दिन आएगा कि भारत लोकतंत्र से भी मुक्त हो जाएगा कांग्रेस के साथ साथ, तो ये वाकई में खतरे की घंटी है। और इससे बचने के लिए पार्टियों को हर संभव है वो प्रयास करना चाहिए जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो सके। ये तो थी हमारी राय, लेकिन आपकी क्या है इस मुद्दे पर? आपने देखा है पूरा वीडियो, तो आप भी जरूर रखिए कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कैसा लगा वीडियो, ये जरूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। शेयर मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल लग रहा है और मन कर रहा है कि अब शेयर मार्केट का ये गेम पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, तो रुकिए, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे तो हमेशा प्रॉफिट बनाओगे। और इसीलिए अब शेयर मार्केट में काम करने के लिए ज्वाइन करें स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी। आज ही ज्वाइन करो स्टॉक मार्केट सिग्नल एकेडमी टेलीग्राम चैनल।